और चलिए एक और बड़ी खबर आपको दे दें। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विष्णु के अवतार हैं। हिंदुस्तानी परंपरा में राजा विष्णु का अवतार होता है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री यजमान नहीं बल्कि श्रद्धालु के रूप में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 6000 लोगों को बुलाया गया है। मंदिर में तमाम काम पूर्णता पर है। गर्भगृह और फर्श लगभग तैयार कर लिया गया है। हमारे साथ राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय जी हैं। सर, अब वो तारीख बहुत करीब आ रही है, कैसी है तैयारियां? बहुत अच्छी तैयारियां सर। हमने सुना कि मंदिर में एक सोने की गेट और खिड़कियां लगाई जाएंगी, इसके बारे में? सुनते रहो, जब देख लो तब सही मानना। सर उस दिन तैयारी हो रही है, बस उस दिन कैसी है तैयारी सर? भाई बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है। प्रतिमाएं बन गई हैं, गर्भगृह तैयार हो गया है, फर्श का फ्लोरिंग चल रहा है, काफ़ी मात्रा में पूरा हो जाएगा, और क्या चाहिए। कौन कौन से अतिथि आएंगे सर? नहीं, वो तो 6000 लोगों के नाम मैं क्या बताऊंगा। यजमान के रूप में तो प्रधानमंत्री? यजमान अलग? नहीं, यजमान प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री यजमान को तो 8 दिन बैठना पड़ेगा। यजमान 8 दिन तक बैठेगा, वो यजमान नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु के तौर पे मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। वो देश में लोकतंत्र के सर्वमान्य व्यक्ति हैं। वो दुनिया में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट ए मैन, उससे वो ऊपर हैं कुछ। धन्यवाद सर। तो ये थे, आप कह सकते हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के हीरो। इन्हें लोग कलयुग का हनुमान भी कह रहे हैं कि इन्होंने जो सारे तमाम एफर्ट्स किए, उस एफर्ट्स के बाद अब राम जन्मभूमि में रामलला प्रतिष्ठित होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। टाट से ठाट और ठाट से महल में आने का वक्त बहुत ही करीब हो चुका है। और जैसा कि अभी चंपत राय जी ने कहा कि यजमान के रूप में नहीं बल्कि एक श्रद्धालु के रूप में वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ श्रीनिवास, एबीपी न्यूज, अयोध्या। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।